Good morning students, welcome in my EVS class. Your chapter 11 is now completed and today we will discuss some important topics of this chapter. आपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज ए एंड बी कर ली है और एक्सरसाइज सी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मैंने कुछ वीडियोस के साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन सेंड किए थे. तो ओनली दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. तो आपको जस्ट वही क्वेश्चंस रेडी करने हैं. ओके, सो डोंट बी कन्फ्यूज कि एक्सरसाइज सी में इतने सारे क्वेश्चंस हैं. तो जो क्वेश्चंस मैम ने आपको सेंड किए थे जस्ट आपको वही करने हैं. ओके, सो लेट्स रीड सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ओपन पेज नंबर 86 ऑफ योर ईवीएस बुक. Houses in urban areas are multi-story buildings or big bungalows made of brick, mortar and cement. जो urban areas के घर होते हैं वो काफ़ी strong घर होते हैं और वहाँ पर बड़ी बड़ी buildings, बड़े बड़े bungalows वगैरह होते हैं जो कि किन से बने होते हैं, cement, bricks, ये सब जो iron rod वगैरह होती है उनसे बने होते हैं. okay? In villages, people earlier built कच्चा house of mud with attached roof. However, modern villages have one or two story pakka house made of bricks and cement. Villages में गाँव में क्या होता है, कच्चा हाउस बने होते हैं. पहले के टाइम पर कच्चे हाउस बने होते थे जो कि जो रॉ मटेरियल होते हैं लाइक मड वगैरह है, ठीक है, लीव्स वगैरह होती हैं, इनसे बने होते थे और उनमें रूफ अटैच होती थी. अब क्या होता है, मॉडर्न विलेजेस में भी कुछ पक्के हाउस बने होते हैं जो सीमेंट और ब्रिक के बने होते हैं. नंबर थ्री, गार्बेज दैट वी थ्रो आउट पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट एंड इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर पेट्स. जो गार्बेज होता है जो कि आप ग्राउंड पे ही फेंक देते हो वो आपके एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं और उसकी वजह से काफ़ी कीटाणु जो आपके एनवायरनमेंट है आपके घरों में है ये गंदा हो जाता है. नंबर फोर, देर आर टू काइंड्स ऑफ वेस्ट. आपने चैप्टर में पढ़े थे टू टाइप्स के वेस्ट होते हैं. कौन कौन से, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, सॉरी कर सकते हैं, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं, जो सॉइल में मिक्स नहीं होते हैं और जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज डन थ्रू वेरियस मेथड. जो वेस्ट का डिस्पोजल है वो काफ़ी सारे मेथड से आपने पढ़ा था जिससे उनको डिस्पोज कर सकते हैं वेस्ट को, बाई डंपिंग इन ग्राउंड्स, एक बहुत बड़े ग्राउंड में उनको इकट्ठा करके, इन डिचेज डग इन द ग्राउंड और उसको पूरा सॉइल से कवर करके, एंड बाई बर्निंग इन फर्नेस या फिर उसे आग में जला के. ये कुछ मेथड आपने अपने चैप्टर में पढ़े थे कि किस तरीके से आप जो वेस्टेज होते हैं उनको डिस्पोज कर सकते हैं. एंड द लास्ट इज, वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय फॉलोइंग द 3 R. जो वेस्टेज है उनको किस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हो, किस तरीके से उनको काम में ले सकते हो, तो उसके लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट R जो होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए. वो कौन कौन से 3 R होते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. ये 3 R आपने पढ़े थे कि रिड्यूस करना क्या होता है, रीयूज करना क्या होता है एंड रिसाइकिल क्या होता है. सो रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को, ऐसी जो चीज जो ज्यादा वेस्टेज करती है, जो वेस्टेज को इंक्रीज करती है, उन चीजों को यूज में लेना ही बंद कर दिया जाए. ओके, उसे कहते हैं हम रिड्यूस. लाइक आप प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग यूज में लेने लग जाए तो प्लास्टिक बैग का यूज ही अगर करना बंद कर देंगे आप तो जो प्लास्टिक का वेस्ट है वो इंक्रीज नहीं होगा. ठीक है, तो ये जो होता है रिड्यूस. रीयूज होता है आप किसी भी ऐसी चीज का यूज करें जिन्हें वेस्ट डस्टबिन में फेंकने की बजाय आप फिर से यूज में ले सके. लाइक पेपर है, मैगजीन्स है, इनको फेंकने की बजाय आप शेयर कर सकते हैं. इवन पेपर क्राफ्ट इतने अच्छे अच्छे आजकल चल गए हैं कि आप उन पुराने जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनका रीयूज कर उनको, उनसे कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें बना सकते हैं. ठीक है, तो ये होता है रीयूज. अब है रिसाइकिल. रिसाइकिल क्या होता है, आप कोई भी चीज़ होती है काम में ली, अब उसकी लाइक टीन होती है या फिर घर में आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें लेते हो जो ये आयरन वगैरह की चीज़ें होती हैं उनको काम में लेके आप डस्टबिन में फेंक देते हो. ठीक है,
उनको या फिर गली अपनी स्ट्रीट में फेंक देते हो, तो उन्हें फेंकने की बजाय अगर आप कबाड़ी वाले को दोगे तो कबाड़ी वाले जो होते हैं वो इनसे न्यू मटेरियल्स बना सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं, पुरानी चीज़ों को रिसाइकिल करके उनसे नई चीज़ें बना देते हैं। ठीक है, तो ये होता है रिसाइकिल। तो 3R कौन कौन से होते हैं? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, जिन्हें फॉलो करने से आप अपने वेस्टेज को सही ढंग से यूज में ले सकते हैं या फिर उन्हें डिस्पोज कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 12 के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।